श्री राम राम, राधे राधे। की हूँ सारा जना ठीक ठाक हो? मैं भी सारा ठीक हाँ। तो आज दिन है शुक्रवार और 11 बजे को टाइम है। तो अभी बस मैं भी नाली रानी भी नाली। तो तैयार थी रोगी में सिर धोए है। मैं तो थोड़ी देर पहले धोए सूख गयो। रानी अभी भी ना गया आई है। तो अभी मैं कराँगी कथा। आज शुक्रवार है तो आज मैं शुरू कर संतोषी माता का व्रत। तो अभी जगह भी मैं माले पाठ पूजा जगी बा कराँगा। तो लक्ष्मी माता की तो जिया शाम ना हुआ है, तो ये संतोषी माता की तो 12 बजे पहला कथा हुआ है। तो अभी कथा करके और भी बाद में फिर मैं कोई चाय पानी पिया भी एक एकर में पहला चाय पी ली। तो भी अब कोई खानो पीनो कोई चाय पानी बाद में ही कराँगा। खट्टी चीज़ का हाथ कौन लगाई जाए। तो ठीक है जी, फिर बात करूँगी थरसा का। पहला मैं कहानी सुन लूँ, सामान तैयार है, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, टेप लोग में बनया रही हो। तो सामान सारों में लिया है जी। कटोरी में गुड़ और चीना हुआ है, बुंदेड़ा चीना हूँ, कथा सुनी जे, पानी है और धूप कर ली, बत्ती भी यहाँ लगा ली मैं, देसी घी को दियो लगे कोनी। तो पेड़ा रख लिया। तो अभी किताब ले गए और कहानी सुनागा। गुड़ चीना ले लिया हाथ में। तो अभी अपन कथा शुरू करा। गुड़ चीना ले लिया हाथ में। जय माता रानी की जय हो। जय माता संतोषी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले थे, 1 निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता था बचा हुआ था तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से देख ना लूँ मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बना, पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से दिखता रहा, छह भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आचर बिछोए है, 7 प्रकार के रसोई परोसी। वह घरा कर कर उसे जिमाते रहे। वह देखता रहा, छह भाई भोजन करके उठे। तब जूठी तालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, छह भाई भोजन कर गए, अब तुम ही बाकी है, उठना कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता जी ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल दिया। चलते समय बहू की याद आई। कहानी में सुन ली है भाई, कहानी वाला चीना गुड़ है जका भी पेड़ में लगा दिया। तो भी कहने देवांगा ये पेड़ा और बाकी ये जका शाम ने रोटी खाओ जैसा के खाओ प्रसाद। मैं कर ली लोटो डाल दियो सूरज ने और अभी रानी को तो बाल गिल्ले फिर बतावड़े बैठ गई। मैं चल तू सिर सुखा ले, ठंड सी चढ़ गई ना, अपने शोर शाल ले रखे हो भी नागी आई। तो मैं तू इतने सिर सुखा ले, चल मैं इतने दूध गर्म कर लूँ। तो दूध रखे गर्म होने खातर चाह कौन बनावा, क्योंकि चाह मैं भी पहला पी ली नानू पहला एक कर। तो फिर अब खाली पेट है ज़्यादा चाह पियाँगा तो फिर तेजाब सो बन जाए, फिर या ना ही अच्छी लगे खाली पेट ज़्यादा चाह। फिर मैं कभी चल थोड़ा थोड़ा दूध ही पी लिया आप गिलास गिलास। तो अभी दूध बिंग माँ भी दूध पी लियाँगा। फ्रूट तो इंग माँ देखो सिर्फ केलो ही खास कहाँ पा, और कोई फ्रूट तो खा कौन सका, क्योंकि कई बार खट्टो हो माँ लेंग माँ खट्टा को ज़्यादा भी ध्यान रखना पड़ा भी हम ना तो अपा भी खाटी चीज़ का हाथ लगानो ना ही खानी खाटी चीज़ है। तो आज मैं इलासी कौन मंगाई और टमाटर टमाटर भी कौन गेरिया दिन की सब्जी बनाई। तो अचार चूर भी एक साइड में रख दियो चुको। तो अभी भी देखो बाकी कोई भूल चुको हो जाए तो आप कह कौन सका, पर पूरा ध्यान अपना इसको रखना तो ना ही लगावे ना ही खाओ ना ही खाओ माता संतोषी का तो ही हो व्रत में। तो आज मैं शुरू कर लिया, फिर मैं कोली आज जाएगी फिर होली हूँ पहला भी शुरू आज ही कर सका, फिर तो भी बाद में अंधेर पकला आ जाएगा फिर होलियाँ बाद में शुरू होगा, फिर ज़्यादा गर्मी आ जाए, मौसम सही है। तो अभी टाइम हो गया 12 बजे को, कई देर लग गई मैंने अभी क्योंकि कथा बड़ी हो जाएंगी। तो ठीक है जी, पहला दूध दाद पी लिया, फिर आगे को रूटीन है जो वो थरसा का मैं शेयर करती रहूँगी आज। तो थे नी वीडियो में लास्ट टाइम बनया रहियो, फुल वॉच करियो, नया हो तो सब्सक्राइब कर दियो और देख के कमेंट तो थान करने करना भी वीडियो किसी की लागी वो थे कमेंट करके ज़रूर बताइयो। तो ठीक है जी,
तो 4:10 रह रही है और बच्चा गया ट्यूशन। रानी करन ला रही है कपड़ा प्रेस, तो मैं अभी बनाऊँ चा। और कपड़ा तो शाम दिया है, लड्डू वाला कपड़ा जिसका भी गोपाल जी वाला भी आज धोया मैं सारा। भी पेरन वाला तो पहला धो लिया एक दिन और आज भी इस तरह धोया भी ओढ़न वाला। तो भी अज ऊपर ही है, देख गया वहाँ जी सूख गया तो लिया वहाँ नीचे। एक चादर पड़ी है, बेडशीट पड़ी है, ऊपर तो डीजे बाजन ला रहे हैं, गाना बाजन ला रहे हैं, पता नहीं क्यों कोई प्रोग्राम है। तो मैं कपड़ा उतार लिया ही, बेडशीट ही एक तो, और लड्डू गोपाल वाला बिस्तरा भेद हो आज। तो बस अभी लगा चूल्हे के नेड़े, तो आज इलो चूल्हो है जो बहुत जगावगा। तो मैं लकड़ी लकड़ी है जकी वेले आगे रख दी, आज इन्हें ही काम करांगा बस। अब अठू स्टार्ट हो जाएगा आज काम करना, क्योंकि मौसम है अगर गर्मी वालों देखो, आज मैं कोटी काटी की कोई पे राखी, मौसम गर्मी वालों सौन लग गया, अब तो सुबह शाम वाली ठंड हो गई। तो रानी बर्तन धोन लग गई, करना कपड़ा रख गया हूँ पहला। तो मेरे देखो अठे घूमड़ी सी हो रही है, अरे कोई नू बिस्तरा बुस्तरा सारा चकरा के आज करने का, ये सारा दो गिले आया अभी सेट करके बिछा देंगा। तो लड्डू का दर्शन करा दें, दर्शन कर लियो सारा जना। ये 20 रुपया मेरे भाई आया जद दिन गए चढ़ा के गया मेरे भाई। लड्डू का गुल्लक में गाल दिया, तो बिस्तरा बिछा दिया, बेड वाला भी और इन्हें चारपाई वालों भी गदेलो लगा दियो। तो इन पर तो नहीं, मैं भी चारपाई पर तो इन पर नो आगे बिठा दिया, फिर तैयार त्यूर करके फिर आसन पर बिठावा और इन पर सोवे लड्डू और बेड है लड्डू को। तो दोया बाद में देखो कितनी चमकावा नहीं कपड़े में, तो आज सारा धो दिया। सुनो तावड़ो सूख गया, आलू मटर का मैं धो लिया, तो अन्न अभी पहला उबालांगा पानी में। तो कुकर भी धो लियो, तो अब ये सारी चीज़ें की दोड़ी मैं इंगमा डाल दूँगी और इंगमा पा डाल देंगा पानी। दो मग घेरूँगी ये इसका है, दो मग डालूँगी। तो अभी ये आप 3-4 सीटी लगवा लिया, ढक बंद कर दूँ इसका उबाले। अभी इंगमा दिखा देना, नमकदार नींबू मसाला बहुत घेरिया डब्बा में घेरिया, क्योंकि मैं कई बार खट्टा मीठा हाथ लग गेड़ा हुआ है, तो डब्बा में मसाला काट के घेरिया। कभी तड़को लगा लिया सब्जी ने पहला दूसरी ली। पौने सात हो गया, मैं व्रत खोल लियो और टाबरा भी रोटी खा ली, मैं भी खा ली, रानी बर्तन धोन ला रही है।
कानन विश्राम करवा दियो। चलो जी रोटी राटी में खा ली सारा जना। अभी तो दूध तो कौन पियो, तो मैं करना ही देखने भी के काम ला रहा है, तो आधी तो उम्र कर लियो। और कैसी सीने पढ़न ला रही है, हर्ष बैठे फोन देखने ला रहे। अभी पढ़ा वो भी थोड़ी धारा में, तो टाइम लगभग 8-1 बजे को है। तो चलो फिर 8 वीडियो को एंड भी कर दिया। कल मिला थाने के नई वीडियो से आ गया, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।